नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 सितंबर मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यूआईटी एक्ट की धारा 43 को बदलकर यह प्रावधान किया गया है कि सड़कें, रास्ते आदि सार्वजनिक उपयोग की जमीनें, गोचर, शमशान, कब्रिस्तान सहित सामुदायिक उपयोग की सभी जमीनें अब यूआईटी में समाहित मानी जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने की जरूरत अब नहीं होगी। नजूल प्रॉपर्टीज को इनसे अलग रखा गया है। धारीवाल ने कहा कि यूआईटी एक्ट की 69A जादुई धारा है, लेकिन बीजेपी राज में इसका उपयोग नहीं कर पाए। बीजेपी इस पर काम नहीं कर पाई, लेकिन जादूगर सीएम गहलोत करेंगे। बीजेपी राज में तो एक ही पट्टा भारी मिल गया, सब उसी में उलझ कर आए गए। अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 10 लाख पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए विधियां संशोधन बिल विधानसभा में पारित हो चुका है। धारीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान से पहले नगर मित्र लगाने के लिए विज्ञापन निकाला है। उनकी योग्यता तय की है। कांग्रेस कार्यकर्ता तो पहले से नगर मित्र हैं, ग्रामीण मित्र भी हैं। राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने उनके मुद्दे पर सरकार के जवाब नहीं देने पर आज सदन का बहिर्गमन किया। श्री सिंघवी ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत बारां जिले के छबड़ा में दो लोगों के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजा की मांग की गई और इस मामले में सरकार की तरफ से जवाब भी चाहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। राजस्थान में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर सतीश पुनिया ने आज विधानसभा में बेरोजगारों को रोजगार का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। डॉक्टर पुनिया ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के 35 महीने हो गए, जबकि जन घोषणा पत्र में बेरोजगारों को रोजगार एवं भत्ता देने के वायदे पर वह खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक बेरोजगार 27.6% राजस्थान में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल में बहुत कम लोगों को नौकरियां दी हैं। नौकरी देने का जितना दावा एवं वादा किया गया था, आंकड़े उसके नजदीक भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि उन्हें अपने कामकाज एवं व्यवहार में हिंदी भाषा का अधिकाधिक उपयोग कर इसके गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। गहलोत ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज यह आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का काफी विकास हुआ है। यहाँ देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक आ रहे हैं। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार मिलकर लोगों को यही सुविधाएं देने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। कोविड-19 का खतरा भले ही टलता जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने में बरती जा रही लापरवाही, वायरस में बदलाव और कोविड संक्रमित राज्यों से लगातार आवाजाही आने वाले महीनों में संक्रमण बढ़ने और तीसरी लहर का आवक का कारण बन सकती है। प्रदेश के शीर्ष कोविड विशेषज्ञों के मुताबिक देश के समुद्र तटीय राज्यों में केरला, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार अधिक केस मिलने की स्थिति को देखते हुए उत्तर भारत के राज्यों में भी आगामी समय में तीसरी लहर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सहित देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 400 कोर्सेज के एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कल से शुरू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 15, 16, 23 और 24 सितंबर यानी 4 दिन आयोजित कराए जाने वाली इस परीक्षा में 60 टेस्ट पेपर होंगे। एग्जाम में करीब 91,676 अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा विषय के टेस्ट में शामिल हो रहा है। ऐसे में कुल टेस्ट पेपर की संख्या 1,35,366 होगी। राजस्थान में चुरू जिले के विधायकों को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराना रास नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में जनता की ओर से बनाए ये जनप्रतिनिधि इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। रोडवेज में विधायकों के लिए प्रथम 2 सीटें होती हैं, लेकिन हिचकोले वाले सफर के बजाय विधायक आमतौर पर लग्जरी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। रोडवेज के चुरू डिपो से 21 माह के भीतर जिले के एक भी विधायक ने रोडवेज में सफर नहीं किया है। राजस्थान के उदयपुर जिले में खान विभाग की टीम ने लगातार कार्रवाई से माफियाओं की हालत पतली कर दी है।
फेल्स पार के अवैध खनन पर पूरी तरह नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। सोमवार देर रात भी विभाग की 3 जगह कार्रवाई हुई। टीम ने 6 ट्रेलर फेल्स पार से भरे पकड़े और 1 ट्रैक्टर 1 चार्टर से भरा जब्त किया। राजस्थान के रतनगढ़ शहर में बारिश का दौर लगातार चौथे दिन सोमवार को भी जारी रहा और 65 mm बरसात हुई। करीब 3 बजे मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ जो शाम 4 बजे तक चला। इसके बाद देर शाम तक झिमझिम बारिश जारी रही। बारिश शुरू होते ही बिजली ठप हो गई। बरसात से निचले इलाके जलमग्न हो गए। घरों में दुकानों में पानी भर गया। उत्तरी बाजार में करीब 4 फीट पानी चढ़ गया जिसके कारण कई दुकानों में पानी भर गया तथा बाजार में खड़े वाहन डूब गए। चूरू रोड पर परमाणा ताल के पास सराफों के कुएं के पास रेलवे अंडरब्रिज स्टेशन सड़क मार्ग जलमग्न हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।